भैया के पास से खा लिए। और उसके बाद नमस्ते, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पे। आई होप आप लोग अच्छे से होंगे, प्यार से होंगे, खुश होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। और अभी हम जा रहे हैं मंदिर, और सत्यम सुबह सुबह तैयार हो चुका है। अभी हम लोग सबको जाने वाले हैं शीतला माँ के मंदिर, तो चलिए आप लोगों को लेके चलते हैं। दादी भी पूजा कर रही है, मामा का पूजा हो चुका है, तो चलिए। देखिए मम्मी भी आ गई है और मम्मी अपने फोन में व्यस्त है और चली गई। चलिए हम जा रहे हैं लड्डू लाने के लिए। लड्डू लाना है तो जाने टाइम ले लेंगे तो नहीं होगा। चतुर रेडी हम लोग पहुंच गए मंदिर। चलिए सत्यम, तो पीछे पीछे का की चल रहा है, बड़ा आगे आगे रहता था। अभी साजी पकड़ा है तो मेरे हाथ में दे दिया। चलो चलो, वहां दादी लोग पूजा स्टार्ट कर दी। सत्यम बोला कि चलिए हम चापाकल चलाएंगे, चापाकल चलाने आया था। पूजा हो गया, अब घर चलते हैं। घर से पैदल चलो। हाँ, थोड़ा चले सकता है क्या? मॉर्निंग वॉक पे कैसे आता था? एक दो दिन आया, उसके बोलता अब हम नहीं जाएंगे दीदी मॉर्निंग वॉक पे, हमको नहीं उठना है सुबह। बड़ा एक्साइटेड होकर, अरे चार दिन आया, दस दिन आया, एक महीना तो हम लोग भी नहीं गए। जाएंगे अब, कंटिन्यू करेंगे, पर मॉर्निंग वॉक नहीं, अब इवनिंग वॉक होगा, क्योंकि सुबह सुबह मेरा तो नींद टूटने वाला है। चुका है 9:30 और अभी नाश्ता बनाने लगे। देखते हो ठंडी दिन का यही सीन है, कुछ भी पहनो ना अंदर में टॉप तो दिखते रहेगा, ऐसे करके झांकते रहेगा तो अंदर से देखे जा रहा है पर्पल वाला टॉप। खैर 9:30 बज गया, अभी नाश्ता का हम लोग तैयारी कर रहे हैं। अभी प्लान बना सिंपल सा, वो गलवा आलू बनाने का, कुकर में डाल के दादी बोली बना दो, पचफोरना का फोरन डाल के, और साथ ही में पूरी। तो मम्मी आटा सान रही है और हम आलू चना का सब्जी बना रहे हैं। छत्तन जी, और यहाँ रोटी मम्मी पूरी बेल रही और हम पूरी छान रहे। लंच भी पैक हो गया, पूरी सब्जी। पूजा के टाइम पे जब फुआ घर पे आई थी ना, तो फुआ का चार्जर छूट गया, तो कल ही रात में उनको कॉल भी थी। अभी निशु आ रहा है तो हम देने के लिए जा रहे हैं। आज मेरा ड्रेस और मेरा चप्पल देखिए कितना ज्यादा मिल रहा है, लग रहा है इसी का मैचिंग। निशु भैया से हेलो। देखिए बिना ड्रेस के स्कूल जा रहे हैं अपने, स्कूल नहीं यही ड्रेस है रे। अच्छा, ये ड्रेस है सही में? झूठ, ये देखो ये ड्रेस, बच्चा का ड्रेस। तो अभी तक हम दिए नहीं, सोचे क्या कि चलो इधर आए तो चाय पी लेते। रुपया के दुकान में आए तो देखे पूरा नया नया दिखता है। बोल रहे क्या तुम मेरा वीडियो बनाती नहीं, वीडियो बनाओ इसलिए इतना सारा कुछ किया। चीयर्स। अपने लिए एक दुपट्टा देखने के लिए मॉल, क्योंकि कल हमको लहंगा पहनना और उसके लिए मेरे पास कोई दुपट्टा है नहीं। लास्ट टाइम याद है हम जो पहने थे डांडिया नाइट में, उसके लिए चाहिए। तो चलो देखते हैं, अगर मिल जाता है कुछ अच्छा तो ठीक है, क्योंकि कल है भैया का बारात और अभी तक मेरा दुपट्टा तक डिसाइड नहीं हुआ है। तो काफी सारा दुपट्टा है यहाँ, बट हमको चाहिए बांधनी प्रिंट में, कुछ ऐसा नहीं छोड़ेगा, हैवी चाहिए, वो मिल ही नहीं रहा है। मॉल में तो मिला नहीं, अब आगे इधर मार्केट देखते इधर मिलता है कि नहीं। इधर भी बहुत सारा दुपट्टा का शॉप है। एक ये वाला दुपट्टा प्यारा लग रहा है, ये कलर भी मैच कर जाएगा मेरे लहंगे में, बाकी ये पिंक कलर अच्छा ही लगेगा। तो इधर हम कुछ चप्पल भी देखने लगे, एक ये अच्छा लगा था और एक ये ब्लैक वाला सही लग रहा है। नहीं ये तो बहुत ज़्यादा थोड़ा घर वाला एकदम ही लग रहा है। एक टाइम पे मेरे पास ऐसा वाला जूता एकदम सेम था। और चलिए चलते चलते एक चप्पल पसंद आ गया, अब कल से मेरा नया चप्पल और साथ में ये दुपट्टा, जिसको कि कल हम अपने लहंगा के साथ वेयर करने वाले हैं। जस्ट मम्मी का भी कॉल आया था, मम्मी बोली है पापा के लिए मटन लेने के लिए, तो चलो यहाँ पे सही जगह पे कॉल किया, इसी जगह पे ना, तो अभी हम जाके ऑटो पे बैठ जाते हैं। मम्मी मटन लाने बोले थे ना, ले चप्पल ला, देखोगी नहीं ना, तो हम इधर आ गए थे ना, मेरे ध्यान से उतर गया था, अभी उधर नहीं जा रहे ना, थोड़ा सा मेरा टाइम टेबल चेंज हो गया गाइस। आप लोगों के साथ अच्छे से बैठ के शेयर करेंगे। खैर हम दुपट्टा लेके आए, वो आप लोगों को दिखाते हैं। मम्मा हम दुपट्टा लाए, सत्यम के लिए भी कुछ कुछ लाए, लेकिन वो है भैया के घर पे और अभी हमको भी जाना पड़ेगा, तो चलिए वहाँ चलते। आज मड़वा पूजा है और कल बारात है। और देखिए हम सत्यम के लिए कितना सारा चीज लाया, मेरा बुआ है ही नहीं, ये हमको कितना दिन से बोल रहा था मार्स मेलो लाने के लिए, ये भी हल्का हल्का पिघला हुआ दिख रहा है। खैर ये चॉकलेट बोला था और साथ ही में हम ले आए पाचक,
और ये दुपट्टा मम्मी को दिखाते हैं। मम्मी देखिए कैसा लग रहा है, ये मैच करेगा? देखिए दुपट्टा, हम सोचे थे पूरा मल्टी कलर में, हल्का ग्रीन ब्लू भी हो, लेकिन ग्रीन ब्लू में था नहीं, वही पिंक ऑरेंज। पूरा मॉल ढूंढ लिए नहीं मिला, मार्केट ढूंढ लिए नहीं मिला, और उसको कल के लिए इम्पोर्टेंट था लहंगा, मरून वाला लहंगा, अंधनी टाइप में चाहिए था, वही जो हम पहने थे दीदी का जो दुपट्टा था वैसा टाइप वाला, उस टाइप का कुछ मिला ही नहीं। खैर चले फटाफट से तैयार होते हैं, यार मेरा बाल थोड़ा गंदा सुंदा है क्या, लेकिन क्या कर सकते हैं, अभी चले जाते हैं, कल शैम्पू करेंगे मस्त। हम जा रहे हैं अपने भैया के हल्दी एंड साथ ही में मंडप पूजा में, तो चलिए चलते हैं। एंड मेरा आज का आउटफिट ये है, जो कि आप लोग मेरे छठ वाले वीडियो में देखे होंगे, येलो कलर का टॉप पहने क्योंकि येलो कलर का आउटफिट होना था, एंड इसके साथ ये वाला स्कर्ट पहने। तो हम तो रेडी हो गए, थोड़ा लेट हो गया, बट चलिए अब चलते हैं और बहुत ज्यादा मस्ती करते हैं। ज्यादा डांस हो गया, डांस करते करते हम लोग थक गए। हेलो गाइस, बॉडी को थोड़ा सा रेस्ट दे रहे, उसके बाद डांस करते हैं। अभी डांस करते हैं, डांस देखते हैं, कल के लिए बचा रहे ना, कल के लिए रेडी हो जाएगा। तो यहाँ शादी के बीच में शॉपिंग स्टार्ट हो गया, इस वजह से दुपट्टा लिया जा रहा है। ग्रीन कलर का इस वे का लुक चेंज हो गया, आप लोग देखे नहीं कैसा लग रहा है, इस वे कैसा लग रहा है बताइए। ओवर एक्टिंग होता है, थोड़ी हो रहा है, की कर रहा है। हम लोग आए हुए हैं भाभी के लिए यहाँ मेकअप का प्रोडक्ट लेने के लिए, क्योंकि कल भाभी को सजाने वाली है दीदी, जो कि पता नहीं कैसा होने वाला है। नहीं तुम पे भरोसा है, दिखा शाइनिंग आएगा। हाँ, वो तो पता है। सही है रे, कौन सा लगाइए? हाँ बढ़िया है। सामान लेते लेते हम लोगों को इतना जोरों का भूख लगा कि खा रहे इधर पटाटा पूड़ी अंकल जी बना रहे हैं,
9 बज गया, देख रहे हो मार्केट कितना खाली है। खाली तो नहीं कह सकते हो, अभी भी इतना ज्यादा भरा हुआ है। हम लोगों को तो लगा था दुकान बंद मिलेगा, बट खुला मिला, सारा सामान भी लगभग मिल चुका है। इतना पूरा एनर्जी खत्म हो गया, तो सोचे कि चलो कुछ खा लेते हैं। अंदर हेलमेट में कैसे लग रहे हैं, कितना बड़ा हेलमेट लगा है बाइक वाला, तुम्हारा तो सही भी लग रहा है। किसी को क्या ही पता चलेगा कितने बड़े सेलिब्रिटी हैं। हमको ना वो धोनी का याद आ रहा है, धोनी वाले मूवी में जो जिस तरह से हेलमेट लगा के घूम रहा था, कोई नहीं पहचाने का। अरे बापा, हम लोग पता है भी क्या किया, लिट्टी चोखा यहाँ भैया के पास से खा लिए, और उसके बाद उन खाने के बाद पूछ रहे भैया ऑनलाइन पेमेंट लेते ना, बोलते नहीं लेते। अब हम लोग इतना बजे, रात 10 बज रहा है रात, फिर भैया बोले कि चलो कोई बात नहीं कल आकर दे देना, नहीं तो पता नहीं क्या होता, बर्तन धोना पड़ जाता। धुलवा दे दीदी से, क्योंकि भी इसका भी गलती था, ये भी नहीं पूछी थी ना, तो छोटी बहन है ना, मेरा गलती चलता है, हम छोटी है ना, बड़े को ना ध्यान रखना चाहिए। ये भी नहीं पूछी, उससे क्या मतलब, तुमको पूछना चाहिए ना। तो गाइज अभी इतना मेहंदी लगाया हम इसको लगाने वाले थे इतने दूर में मेहंदी, लेकिन उसके बाद फिर इतना दूर बढ़ा दिया, अब सोच रहे हैं यहाँ तक बढ़ा दिया, दुल्हन बना दे इसको और इसका ही शादी करवा दे। ठीक है चलो, आज नहीं दीदी कल, कल शादी, और हम भी यही रुके रात में, तो चेंज वेंज करेंगे और हम भी लगाएंगे मेहंदी। तो मेरा मेहंदी देखने के लिए वीडियो में बने रहे, शादी करने हाँ शादी करने नहीं, सब चीज नहीं रखते भाई, मेरे पास कपड़ा गमछा है, नहीं सब नहीं रखते भाई, ये सब नहीं रखते हैं। तो गाइस हमारे प्लान में थोड़ा सा चेंजेस आ गया है, सारे लोग अब मेरे घर जा रहे हैं रहने के लिए, चलिए मेहंदी भी वही लगाएंगे। सॉरी दीदी के एक हाथ में लगा दिए, एक हाथ के एक साइड में और एक साइड के बस यहाँ पे लगाए थोड़ा थोड़ा, चलिए अभी घर चलते हैं। रात के 12 बजे हम लोग मेहंदी लगाने की जगह यहाँ मैगी बना रहे हैं, मेहंदी और मैगी सिमिलर होता है ना, इसीलिए हम लोग चीज वाला मैगी बना रहे हैं। हमारे साथ सोनू दीदी है और स्वीट दीदी है, ये दो नहीं रात के 12 बजे वाला मैगी। जैसा कि देख सकते हो गाइज, हम अमीर हो चुके हैं, मेरे हाथ में एक हीरा का अंगूठी है, एक सोना का अंगूठी है और एक प्लेटिनम का अंगूठी है।